भारत इस संधि के मदद से पाकिस्तान को हराने में सक्षम हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से अस्तित्व में आया। बट द आइडियल्स ऑफ द नॉन अलाइनमेंट वर स्टिल कंटिन्यूड। गुट निरपेक्षता के आदर्श फिर भी जारी थे, लाइक डीकोलोनाइजेशन ऑफ ऑल द वर्ल्ड, उदाहरण के लिए संपूर्ण विश्व का भी उपनिवेशीकरण, संपूर्ण विश्व का भी उपनिवेशीकरण, सवरन एंड फ्री फॉरेन पॉलिसीज, संप्रभु और मुक्त विदेश नीतियां, सेल्फ वॉइस ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी आवाज स्वयं बनना, एटसेट्रा इत्यादि। इंडिया कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 डिस्पाइट द ऑब्जेक्शन ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर। भारत ने 1974 में नाभिकीय परीक्षण किए, भले ही सोवियत संघ और अमेरिका को इसमें आपत्ति थी। पैराग्राफ बदल के लिखना, ड्यूरिंग द टेन्यूअर ऑफ मोरारजी देसाई, ड्यूरिंग द टेन्यूअर ऑफ मोरारजी देसाई द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वॉज सेम। मोरारजी देसाई के युग में भारतीय विदेश नीति के आधारभूत स्तंभ वही रहे, बट द प्राइम मिनिस्टर वॉन्ट्स टू अडॉप्ट द रियल नॉन अलाइनमेंट। किंतु प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। किंतु प्रधानमंत्री वास्तविक गुट निरपेक्षता अपनाना चाहते थे, सो अ स्लाइट शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी अकर्ड ड्यूरिंग दिस एरा। सो अ स्लाइट शिफ्ट इन द फॉरेन पॉलिसी अकर्ड इन दिस एरा। और इस युग में विदेश नीति में थोड़ा बदलाव देखने को मिला, एंड द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इंप्रूव्ड एज कंपेयर टू द पास्ट। एज कंपेयर टू द पास्ट। और भारत और अमेरिका के मध्य संबंधों में सुधार देखने को मिला। ड्यूरिंग दिस एरा इंडिया ऑल्सो फोकस्ड ऑन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क एंड बिम्स्टेक। ड्यूरिंग दिस एरा इंडिया ऑल्सो फोकस्ड ऑन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क एंड बिम्स्टेक। इस युग में भारत ने सार्क और बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों पर भी बल दिया, बट यूएसएसआर वॉज द सेंटर इन आवर फॉरेन पॉलिसी। किंतु सोवियत संघ हमारी विदेश नीति के केंद्र में था, यानी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में सोवियत संघ को इग्नोर करके कुछ भी काम नहीं हो रहा था। सार्क बनाने से सोवियत संघ को कोई टेंशन नहीं थी, बिम्स्टेक बनाने से कोई टेंशन नहीं थी। सोवियत संघ ने इंडिया की इन गतिविधियों को एक तरह से सपोर्ट भी किया। बीच में मोरारजी देसाई के टाइम जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई। सोवियत संघ को लगने लगा कि अमेरिका के करीब जा रहे, लेकिन अमेरिका ने अपने आप ही इस नजदीकियों को दूर कर दिया। अमेरिका अफगानिस्तान में पहुंच गया और अफगानिस्तान में जाने के बाद पाकिस्तान का क्लोज हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको चाहे फ्रंट स्टेट के रूप में यूज हुआ।
जब पाकिस्तान के वो क्लोज हो गया तो नेचुरली इंडिया से दूर हो गया, और हमारा यूएसएसआर के साथ में जो प्रो यूएसएसआर हमारे ऊपर आरोप लगता था, गलत भी नहीं था, वो सही भी था। और दूसरा, मोरारजी देसाई का टाइम पीरियड बड़ा शॉर्ट रहा। अगर आप मोरारजी देसाई के युग की बात समझोगे तो कुछ काम ऐसे हुए जो मतलब हो ही नहीं सकते थे, कभी भी नहीं हो सकते थे, कोई सरकार नहीं करती। जैसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन, जिसके अंदर सरकार को कमजोर करके जनता को मजबूत किया गया, सरकार को कमजोर करके जुडिशरी को मजबूत किया गया। ऐसा कहीं नहीं होता है। कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा संशोधन करवाता है क्या जिसमें लिखा हो कि केवल प्राइम मिनिस्टर के कहने से नहीं बल्कि होल कैबिनेट के एडवाइस पर ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी? समझ गए? प्राइम मिनिस्टर जब विपक्ष में होते हैं ना लोग, तब तो मांग करते कि होना चाहिए, और जब खुद सत्ता में आ जाते हैं तब इन चीजों के मजे लेते हैं। समझ में आया ना? लेकिन मोरारजी देसाई अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर, बड़े आइडियलिस्टिक व्यक्ति थे। आप मोरारजी देसाई के बारे में पढ़ोगे तो रियली जिसके व्यक्तित्व में आइडियलिज्म हो वो आपको दिखेंगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने माना कि हम गुट निरपेक्षता की बात करते हैं, बात सही है, हमें ना अमेरिका के साथ झुकना चाहिए ना यूएसएसआर के साथ, लेकिन ओरिजिनली तो हम झुके हुए यूएसएसआर के साथ, तो इसलिए जितनी दूरियां यूएसएसआर से उतनी अमेरिका से भी रखेंगे। तो इसका तरीका यह नहीं कि हम यूएसएसआर से और दूर हो जाएंगे, बल्कि यह है कि अमेरिका के नजदीक जाए। जिमी कॉर्टर को उन्होंने कहा कि इंडिया आना, और वो आए, और खुद वहां मोरारजी देसाई जाना चाहते थे लेकिन उनकी सरकार गिर गई। अब देखिए कुछ काम उन्होंने आइडियलिज्म में ऐसे किए जो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में नुकसान पहुंचा सकते थे। जैसे रॉ का नाम सुनते हो, रॉ के फंक्शंस को बंद कर दिया था उन्होंने, ठीक है ना? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो विभिन्न देशों में इंडिया की इंटेलिजेंस विंग है और हमारी फॉरेन पॉलिसी को इनपुट्स देती है, कल मैंने बताया था आपको, ठीक है? और रॉ के फंक्शंस को भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है कि दूसरे देशों की इंटीग्रिटी का रेस्पेक्ट करना, दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी का रेस्पेक्ट करना। हम चाहते हैं दूसरों से ये है तो हम क्यों किसी देश में जासूस वासूस भेजे? तो रॉ का पूरा नेटवर्क खत्म हो गया। अगर आपने एक्टिविटी बंद कर दी तो क्या हुआ, नेटवर्क खत्म हो गया, तो उसको फिर से बनाने में बड़ा टाइम लगा। जो आज आपको रॉ की कंडीशन दिखती है, तो बड़े आइडियलिस्ट थे, उनकी गवर्नमेंट क्यों ऐसे गिरी थी कोई बता सकता है? जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, जेपी खुद तो प्राइम मिनिस्टर बने नहीं, उसमें एक जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी जिसमें कई पार्टी शामिल थी, 14 दल शामिल थे, तो गवर्नमेंट गिरी कैसे थी? कोई आइडिया किसी को? वो सरकार ज्यादा चली नहीं, पर वो गिरी क्यों थी, क्या कारण हुआ था? वो तो चुनाव में हुई ना, सरकार गिरी नहीं तो चुनाव ही नहीं होते। जनता दल यूनाइटेड ये सब तो पैदा हुए थे उस समय, नैपकिन्स में घूम रहे थे, ठीक है ना? नीतीश कुमार वगैरह तो स्टूडेंट लीडर थे उस समय, लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार ये तो स्टूडेंट लीडर थे। मैं बात कर रहा हूं 1978 की। क्यों? देखो, मोरारजी देसाई ने एक तो अगर इतना ऐसे व्यक्ति होंगे तो उस समय भारतीय जनसंघ, जिसका बाद में नाम हुआ बीजेपी, इसके लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। ये थे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, और ये मोरारजी की गवर्नमेंट में कौन थे? फॉरेन मिनिस्टर। ये दोनों आरएसएस के भी मेंबर थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। आपके परिवार में भी लोग होंगे ना, कितने लोगों की फैमिली में आरएसएस के लोग है, आरएसएस मेंबर है, जाते होंगे शाखा वाखा में है? हाँ, तो आप भी जाते होंगे शाखा में, मतलब आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है। और ये दोनों मंत्री भी थे, कौन कौन? आडवाणी जी हो रही है। तो मोरारजी देसाई का कहना था कि ड्यूल मेंबरशिप नहीं चलेगी, या तो आरएसएस के मेंबर रहोगे या मंत्रिमंडल के सदस्य रहोगे। तो इन दोनों ने आरएसएस का मेंबर बनना पसंद किया और सरकार से समर्थन ले लिया, और सरकार गिर गई। अभी आज कोई इमेजिन कर सकता है कि कोई सरकार जाने दे क्योंकि आप आरएसएस के भी मेंबर हो? बाद में तो इंडिया ने वही युग देखा कि आप आतंकवादी संगठनों के मेंबर हो, चलेगा, लेकिन सरकार चाहिए, ठीक है? तो मोरारजी देसाई बड़े आइडियलिस्ट है, और
इनके आइडियलिज्म का एक फायदा हुआ 44th अमेंडमेंट, जिसमें गवर्नमेंट कमजोर करके जुडिशरी और लोग मजबूत हुए। और एक नुकसान हो सकता था अगर ये लंबे टाइम तक रह जाते तो, फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका का इंटरफेरेंस बढ़ता, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि ये लंबे टाइम तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई। यूएसएसआर का इंटरेस्ट डेवलप हो गया अफगानिस्तान में, और जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर पहुंच गया तो अमेरिका को भी जाना ही था। एक फ्रंट स्टेट के रूप में किसका यूज किया गया? पाकिस्तान का। तो अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति इतना झुकाव अगर हो जाएगा तो फिर इंडिया से तो दूरी होगी होगी। तो ये काम हुए और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जारी रही। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1989 में ही, और 1991 में इंडिया में फॉरेन पॉलिसी भी चेंज हुई और हमारा फॉरेन पॉलिसी का चौथा फेज शुरू होता है 1991 to 2001। ये सब किसके अकॉर्डिंग है? जयशंकर के अकॉर्डिंग और PSIR के अकॉर्डिंग। अब आपको समझ में आ गया, GS का आंसर लिखो तो वो कॉपी उठाना, सिंप्लीफाइड आंसर, और PSIR का आंसर लिखो तो ये लिखना। हाँ हर्षवर्धन, दोनों क्या कंटेंट सेम है? तो जो उस समय हमने पॉलिसी अपनाई कि मर्ज करके नहीं पढ़ाएंगे वो सही था ना? नहीं तो क्या होता पता है? वहां का लेवल तो बढ़ा नहीं सकते थे, यहां गिराना पड़ जाता। बात समझ में नहीं आई भाई? वहां का लेवल बढ़ाना तो यूजलेस होता, अननेसेसरी, उनको क्यों इतनी सारी रामायण सुनाई जाए? तो होता ये कि यहां का गिराना पड़ता, जो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता। कुछ चीजें ऐसी है जैसे इंडियन डायस्पोरा, वो चलता, लेकिन ये जो मेन बातें हैं ये बातें PSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। हाँ, लिखी 1991 to 2001, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR एंड द इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR एंड द इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड was the characterized the fourth phase. Soviet संघ का पतन और एक ध्रुवीय विश्व का उदय, सोवियत संघ का पतन और एक ध्रुवीय विश्व का उदय चौथे चरण की प्रमुख विशेषता थी। It encouraged the radical changes in Indian foreign policy इसने भारत की विदेश नीति में क्रांतिकारी बदलावों को प्रोत्साहित किया इसने भारत की विदेश नीति में क्रांतिकारी बदलावों को प्रोत्साहित किया। इट वॉज ऑल्सो अ फेज व्हेन इंडिया स्टार्टेड द LPG पॉलिसीज और यह वह चरण भी था जब भारत ने अर्थव्यवस्था में LPG नीतियों को अपनाया। सो बोथ जियोपॉलिटिकल एंड डोमेस्टिक सिचुएशन act as a driving force for the change in foreign policy। इसलिए वैश्विक परिस्थितियां और क्षेत्रीय और घरेलू परिस्थितियां दोनों ने ही
भारत की विदेश नीति में बदलाव के लिए एक बल के रूप में कार्य किया। इन द यूनिपोलर वर्ल्ड द यूएसए becomes the only dominating force एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राज्य अमरीका एकमात्र प्रभुत्वशाली राष्ट्र के रूप में रह गया। सो इट वॉज द डिमांड ऑफ आर नेशनल इंटरेस्ट to start cooperation with USA। ये हमारे राष्ट्रीय हितों की एक मांग थी कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग को बढ़ावा दे। लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल्सो एक्सेलरेट The Indo-US relations, उदार आर्थिक नीतियों ने भी भारत अमरीकी संबंधों को बल दिया। भारत अमरीकी संबंधों पर बल दिया During this era, India also adopted the policy of look east. इस युग में भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति भी अपनाई। Consequently, the foreign policy are driven. The foreign policies were driven. By the economic factors, परिणाम स्वरूप विदेश नीति आर्थिक तत्वों से संचालित होने लगी। देखिए फिफ्थ फेज 2001 to 14 पांचवा चरण 2001 से 2014 द एनवायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव। विश्व का वातावरण प्रतियोगी होने लगा। देयर वर सो मेनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आसियान यूरोपियन यूनियन वर इमर्ज्ड इन दिस एरा इस युग में आसियान और यूरोपियन यूनियन जैसे क्षेत्रीय संगठनों का भी उदय हुआ।
एंड द यूनिपोलरिटी ऑफ यूएसए वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक ध्रुवीय वर्चस्व कमजोर पड़ा. इंडिया फाउंड दैट इट वॉज द अपॉर्चुनिटी टू ओपन न्यू विंडोज इन फॉरेन पॉलिसी. भारत ने महसूस किया कि ये विदेश नीति में नए रास्ते खोले जा सकते हैं. इंडिया ऑल्सो एक्वायर द बेनिफिट ऑफ बैलेंसिंग पावर. भारत ने शक्ति संतुलन की गतिविधियों का भी लाभ उठाने की चेष्टा की. ऑल्सो एक्वायर द बेनिफिट्स ऑफ बैलेंसिंग पावर. द इमर्जेंस ऑफ चाइना फोर्स यूएसए टू बैलेंस इट विथ इंडिया. चीन के उदय ने अमेरिका को प्रोत्साहित किया कि वैसे भारत के माध्यम से संतुलित करे. तो बैलेंस इट विद इंडिया कि वैसे भारत के माध्यम से संतुलित करे. द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील. The Indo-US nuclear deal was the outcome of this activity. भारत अमेरिका नाभिकीय सहयोग एक डेढ़ घंटे ज्यादा शांति दी रहती यहां. ठीक है. भारत अमरीकी नाभिकीय सहयोग इसी गतिविधि का परिणाम था. तो ये वो टाइम था जब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी डेवलप होने लगी. इंडिया उनके साथ जुड़ने लगा. जब चाइना के इमर्जेंस ने यूएसए को इंडिया को बहुत गंभीर लेना शुरू करा और उसने इंडिया के साथ में यूएस न्यूक्लियर डील भी करी. मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर ऑप्शन के अंदर जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई और इस डील के अंतर्गत हुआ ये कि हमने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए उसके बावजूद भी वो सारी फैसिलिटीज ले ली जो एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के बाद मिलती. तो आज अगर कोई हमसे कहता कि एनपीटी पर सिग्नेचर करो तो हम पूछते क्यों ये मिलेगा. तो हम कहते कि वो तो ले लिया. यही तो मैंने बताया था. तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का इसका एक आउटकम निकलकर सामने आया. तो 2014 तक क्या हुआ यह एस जयशंकर साहब ने बता दिया. अब 2014 के बाद क्या हुआ ये उन्होंने बहुत डिटेल में बताया क्योंकि वो उस सरकार के मंत्री है जो सरकार 2014 में बनी थी. 2019 में वो मंत्री बने. तो लिखिए सिक्स्थ फेज फ्रॉम 2014 सिक्स्थ फेज फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स द फॉरेन पॉलिसी बिकेम मोर देन एनर्जेटिक. विदेश नीति अत्यधिक ऊर्जावान हो गई. एंड इंडिया अचीव्ड अ सेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ इट्स ओन कैपेबिलिटीज. एंड इंडिया achieved a sense of awareness of its own capabilities
और भारत ने अपनी ही क्षमताओं के विषय में पहचान की। इंडिया शेप्ड एज अ की पार्टनर इन द ग्लोबल नेगोशिएशंस। भारत वैश्विक वार्ताओं का एक प्रमुख सदस्य के रूप में उभरा। ग्लोबल नेगोशिएशंस लाइक इन पेरिस ऑन क्लाइमेट चेंज। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन पर होने वाली हुई पेरिस वार्ता। देयर वॉज नो पॉलिसी चेंज ड्यूरिंग दिस एरा। इस युग में कोई नीतिगत बदलाव नहीं हुआ। बट द एनर्जी एंड अप्रोच वॉज डिफरेंट इज डिफरेंट। किंतु ऊर्जा और कार्य करने का तरीका अलग है। किंतु ऊर्जा और कार्य करने का तरीका अलग है। डॉक्टर एस जयशंकर हैज गिवन 10 ऑब्जर्वेशंस ऑन द पॉलिसी शिफ्ट इन मोदी एरा। डॉक्टर एस जयशंकर हैज गिवन 10 ऑब्जर्वेशन ऑन द पॉलिसी शिफ्ट इन मोदी एरा। एस जयशंकर के द्वारा मोदी युग में जो नीतिगत बदलाव हुए उस विषय में 10 बिंदु दिए गए हैं। नंबर 1, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। With like-minded countries, building strong partnership with like-minded countries and going for issue-based alignments, मतलब non-alignment का कोई लफड़ा नहीं है, issue-based alignment and going for issue-based alignments. समान सोच वाले देशों के साथ, समान सोच वाले देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना और विषय आधारित गुट तो नहीं कहेंगे, विषय आधारित समूहों का निर्माण करना, मुद्दा आधारित समूह का निर्माण करना, जैसे क्वेड है ना। तो हमको कहा गया जी ये क्वेड बना रहे हो, तो आप क्या बाकी देशों के साथ में एक तरह से झगड़ा ले रहे हो क्या? तो हमारा मानना है कि अगर क्वेड नामक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो हमने एक इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट किया है। हम कोई परमानेंट यूएसए की तरफ या यूएसएसआर की तरफ या जापान की तरफ या ऑस्ट्रेलिया की तरफ अपना अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं दे रहे। हम केवल कुछ मुद्दों पर साथ आ रहे हैं और ये मुद्दे ये है, इन मुद्दों पर हम साथ काम करेंगे। तो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, जैसे कि जो हमारे जैसा सोचते हैं, लाइक माइंडेड का मतलब जो हमारे जैसे दुनिया को देखते हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं। यानी कि जो हम नॉन अलाइनमेंट में मानते थे कि किसी प्रकार का अलाइनमेंट हमारी पॉलिसी से हटकर है, हमने मान लिया कि अलाइनमेंट पॉलिसी से हटकर नहीं है। लेकिन अलाइनमेंट अगर मिलिट्री अलाइनमेंट हो, अलाइनमेंट अगर ये हो कि हम दूसरे पर हमला करेंगे, वो हमारी पॉलिसी से हटकर है। अदरवाइज अलाइनमेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है।